स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं, मैं शुभम सरधारिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड रेवर्ड सेंट श्री संत तुकाराम जी के बारे में। संत तुकाराम जी का मंदिर पुणे में जो है वो मौजूद है, इसकी सिग्निफिकेंस की हम बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि दोस्तों, दो दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो इस संत तुकाराम मंदिर के दर्शन के लिए, विजिट के लिए जो है वो जाने वाले हैं। विस्तार से जानेंगे कौन थे संत तुकाराम और क्या सिग्निफिकेंस है संत तुकाराम जी के इस मंदिर का। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट आप हैं, तो इस तरीके के टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों। और दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टडी आईक्यू पहली बार हिस्ट्री में लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा है। वो सभी एक्सपर्ट फैकल्टी जिनको आपने अभी तक यूट्यूब वीडियोज में देखा था, वो लाइव क्लासेस के माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे। सिविल सर्विसेज के पूरे सिलेबस को वो आपको कवर करने में मदद करेंगे। दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, हर एक मेजर माइनर सब्जेक्ट को इन डेप्थ, इन डिटेल कवर किया जाएगा स्टडी आईक्यू के इस कोर्स में। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, सिर्फ 1000 एनरोलमेंट्स जो है वो होने हैं। ऑलरेडी बहुत सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं, मात्र 18,500 रुपए में आप एक कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव और 18,500 रुपए में इस लाइव कोर्स का हिस्सा बनना है और अपनी यूपीएससी प्रेपरेशन को हमारे साथ बहुत बेहतर बनाना है। दोस्तों, आने वाले ट्यूजडे मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ये पहुंचेंगे पूना जिले के देहू मंदिर में। यहां पर संत तुकाराम जी का शिला मंदिर है, शिला टेम्पल है, इसका उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी जो है वो डेडिकेट करेंगे देश को शिला मंदिर, जो किन के लिए बनाया गया है। इट इज मेड इन द ऑनर ऑफ संत तुकाराम, द 17th सेंचुरी सेंट एट हिज बर्थ प्लेस देहू। पुणे जिले से, पुणे हेडक्वार्टर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर ये एक छोटा सा कस्बा है देहू, जहां पर संत तुकाराम जी का जन्म हुआ था और वहां पर उनके जन्म स्थान पर उनका एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ट्यूजडे को, मंगलवार को किया जाएगा। दोस्तों, कुछ इस प्रकार का है संत तुकाराम जी का ये शिला मंदिर। शिला मंदिर क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था किस तरीके के टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने 2022 का यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर देखा है, तो इसी तरीके का एक इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन जो है वो करा था, और उनसे रिलेटेड, रामानुजाचार्य जी से संबंधित सवाल जो है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। तो इस प्रकार की कोई भी इनॉग्रेशन जब होती है, तो वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर हमको डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। हम विस्तार से जानेंगे इस मंदिर के बारे में, संत तुकाराम जी के बारे में। दोस्तों, शिला शब्द आपने सुना होगा, शिला दरअसल पत्थर की एक मूर्त को कहा जाता है, इट रेफर्स टू अ रॉक। शिला जो है वो रॉक को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये करंटली हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, देहू संस्थान टेम्पल, ये संत तुकाराम जी का मंदिर है, जहां पर फॉर द सेंचुरीज हैज बीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वारी, द एनुअल पिलग्रिमेज ऑफ पंधरपुर। दोस्तों, हमने लास्ट ईयर नवंबर के मंथ में, मैंने एक वीडियो जो है वो बनाया था, जिसमें हमने बात करी थी, एक एनुअल पालकी यात्रा होती है पूरी जिले के इन टाउन्स में, जिसको वरी कहा जाता है। इसके बारे में भी अभी मैं आगे बात करूंगा। यहां से देहू संस्थान टेम्पल से संत तुकाराम जी की पालकी जो है वो निकलती है, जो कि पैदल चल करके लोग इस पालकी को लेकर के जाते हैं। तो बहुत ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस पूरे के पूरे इवेंट का। भक्ति काल के भक्ति सेंट संत तुकाराम जो है वो इस पीस ऑफ रॉक पे, इस शिला पे 13 दिन तक लगातार बैठे रहे थे, जब उनको किसी ने चैलेंज किया था कि अभ्यंग्यास, जो उनकी राइटिंग्स थी, क्योंकि वो संत के साथ साथ एक महान पोइट भी थे, उनकी राइटिंग्स को किसी ने चैलेंज कर दिया था कि आप जो लिखते हैं वो सही नहीं है, तो अपनी राइटिंग्स की, अपनी अभ्यंग्यास की जो ऑथेंटिसिटी है उसको प्रूव करने के लिए 13 दिन तक लगातार संत तुकाराम जो है वो इस पहाड़ के टुकड़े पर, इस पीस ऑफ रॉक पर बैठे रहे थे, जिसे शिला नाम दिया गया, और वहां पर उस शिला के आसपास अब मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है।
दोस्तों अभंग जो है, अभंग ये शब्द आता है अ और भंग से, जिसको भंग, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ये एक डिवोशनल फॉर्म ऑफ पोएट्री है जो भगवान विट्ठल, या जिन्हें भगवान विठोबा भी कहा जाता है दोस्तों, भगवान विष्णु जी के स्वरूप इनको माना जाता है। तो भगवान विट्ठल जी के शान में कुछ पोएट्री जो है वो गाई जाती थी, जो लिखी गई थी संत तुकाराम जी के द्वारा। इसे अभंगा पोएट्री का नाम दिया गया था। तो उनकी अभंगा पोइट्री को जब किसी ने चैलेंज किया, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए 13 दिन तक संत तुकाराम जो है वो इस पत्थर पे बैठे रहे थे। संत तुकाराम जो है इज बेस्ट नोन फॉर इज डिवोशनल पोइट्री कॉल्ड अभंगा। एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि टर्म अभंगा जो है वो क्या है। तो हमें याद रखना है संत तुकाराम जी ने जो पोइट्री लिखी थी उसे अभंगा कहा जाता है। ये पोइट्री जो है ये कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप में गाई जाती है, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स की तरह। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो उस कीर्तन में ये अभंग पोइट्री जो है इसका इस्तेमाल होता है, इस अभंग पोइट्री को गाया जाता है। अगर हम बात करें संत तुकाराम जी के बारे में, तो संत तुकाराम जी का जन्म हुआ था आज मॉडर्न डे जो महाराष्ट्र स्टेट है वहां पर संत तुकाराम जी का जन्म हुआ था। इनका नाम जो है वो था श्री तुकाराम बोल्होबा अंबिले, ये इनका पूरा नाम था। दोस्तों कुछ इस प्रकार के दिखते थे संत तुकाराम। आप इनके पीछे बैकग्राउंड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है भगवान विठोबा, या भगवान विठल जिन्हें कहा जाता है, विष्णु भगवान के स्वरूप माना जाता है। तो उनके एक डिवोटी थे संत तुकाराम, उनकी प्रेज में इन्होंने पोइट्री जो है वो लिखी थी। संत तुकाराम जी के माता पिता का देहांत उस समय हो गया था जब वो टीनेजर थे, वो किशोरावस्था में थे। उसके बाद इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भक्ति काल के महान संत हुए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु माना, उनकी टीचिंग्स, उनके दिशा निर्देश से इन्होंने अपना जीवन जो है वो व्यतीत किया। संत तुकाराम जी की फिलॉसफी क्या थी दोस्तों, जो मैं आपसे बात कर रहा था 2022 के एग्जाम में संत रामानुजाचार्य जी के बारे में जो सवाल आया था उसमें पूछा था उनकी फिलॉसफी क्या थी, तो यहाँ पर भी संत तुकाराम किस बारे में बात करते थे, ही टॉक्ड अबाउट रॉन्ग डूइंग्स ऑफ सोसाइटी, समाज में जो भी कुरीतियां थी उनके बारे में वो बात करते थे, सोशल सिस्टम और महाराजा राजा महाराजाओं के जो सोशल सिस्टम्स थे, जो इविल सिस्टम्स थे, उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। और ये अपने अभंगा पोइट्री और कीर्तन के माध्यम से लोगों को ये सोशल इविल्स के बारे में बताते थे। संत तुकाराम के अनुसार देयर वॉज नो रेफरेंस ऑफ एनी कास्ट हायरार्की इन वेदास, वेदों के अंदर जाति पदानुक्रमांक का कोई भी संदर्भ जो है नहीं है। दोस्तों ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या फिलॉसफी उनकी रही है, वो सोशल इविल्स की बात करते थे, सोशल सिस्टम को जो है वो जो रॉन्ग डूइंग्स थी सोशल सिस्टम्स की उनको वो पॉइंट आउट करते थे अपनी पोइट्री के अंदर। उनका कहना था कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये वेदास के अंदर कहीं भी स्टैंड नहीं करता, तो ये जाति प्रथा के अगेंस्ट थे संत तुकाराम जी। इनका मंदिर जो है वो मौजूद है संत तुकाराम टेम्पल देहू के अंदर, देहू का है पुणे में, ऑन देहू संस्थान टेम्पल प्रीमाइसिस, जहां पर ये मंदिर बनने जा रहा है जिसका इनॉग्रेशन होगा, यहाँ पर ये रॉक जिसके ऊपर उन्होंने बैठ करके 13 दिन तक अपने अभंग्यास की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए जहां वो बैठे थे, ये रॉक जो है इट वॉज कवर्ड बाय अ सिल्वर कास्ट, एक चांदी के कवर के साथ में इसको जो है वो कवर किया गया था। यहाँ पर संत तुकाराम जी की तस्वीर बनी हुई थी जहां पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर के पूजा अर्चना जो है वो किया करते थे। लेकिन दोस्तों 2008 में ये सिल्वर मास्क जो है, ये चांदी का मुखौटा जो है जो इस शिला के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर मौजूद था, वो चोरी हो गया था। और कुछ समय बाद थोड़ी दूरी पर मौजूद इंद्रायणी नदी के तट पर, इंद्रायणी नदी के किनारे पर ये सिल्वर मास्क जो है वो मिला था। उस समय ये डिसाइड किया गया था कि इस शिला के आसपास मंदिर जो है वो बनाया जाएगा। संस्थान डिसाइडेड टू रिप्लेस द सिल्वर कवरिंग विद एन इमेज ऑफ संत तुकाराम महाराज। तो संस्थान ने कहा कि ये जो शिला के ऊपर चांदी का कवर था, इसकी जगह पे संत तुकाराम महाराज की तस्वीर जो है वो लगाई जाएगी, और शिला और तुकाराम महाराज की तस्वीर के चारों ओर एक भव्य मंदिर जो है वो बनाया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से बनाया जा रहा है शिला को, शिला के ऊपर संत तुकाराम जी का एक स्वरूप जो है वो तैयार किया गया है पगड़ी आदि पहना करके। तो इसके आसपास एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, जिस मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलवार को पुणे में करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर संत तुकाराम जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट है पॉइंट है जो कहलाता है वर्कारी सेक्ट। संत तुकाराम एंड हिज वर्क्स आर सेंट्रल टू वर्कारी सेक्ट स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र। वर्कारी संप्रदाय जो है वो महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा फैला हुआ है, और इस वर्कारी सेक्ट को, इस वर्कारी संप्रदाय को बहुत, इस वर्कारी सेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर जो है वो संत तुकाराम जी को माना जाता है। इन्होंने संदेश दिया था किसका, अबाउट अ कास्टलेस सोसाइटी। अगेन दोस्तों इंपॉर्टेंट है इनकी फिलॉसफी क्या थी, ये जाति प्रथा को नहीं मानते थे, इन्होंने जाति विहीन समाज के बारे में बात करी थी। ही डिनाइल
रिचुअल्स दैट हैड लेड टू सोशल मूवमेंट, सारी वो रीति रिवाज जो सामाजिक आंदोलनों को, जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते थे, इन्होंने इन सभी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करा था। संत तुकाराम इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द वारी पिलग्रीमेज। वारी पिलग्रीमेज क्या है? जहां पर एनुअली संत तुकाराम जी की और संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी जो है वो ले जाई जाती है। लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया था फॉर द फोर लेनिंग ऑफ टू सेक्शंस ऑफ संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग, जो कि NH 965 है, और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग। तो संत तुकाराम जी का की पालकी और संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी जो है वो ले जाई जाती है जिस रास्ते से, उसका फोर लेनिंग जो है वो काम शुरू कराया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। दोस्तों ये जो पालकियां ले जाई जाती है, यहाँ पर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कैरिंग दी पादुका, जिसे चरण पादुका कहते हैं, लकड़ी की जो स्लीपर्स होते हैं ईश्वर के, उनको यहाँ पर संत तुकाराम जी और संत ज्ञानेश्वर जी के जो चरण पादुका है उनको पालकी में ले जाकर डाल करके ले जाया जाता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं और संत ज्ञानेश्वर जी और संत तुकाराम जी की श्राइन्स जो पंधर श्राइन्स जो है वहां से ले जाकर के इनको पंधरपुर टाउन तक ले जाया जाता है पैदल। इस पूरे के पूरे पालकी मार्ग में काफी हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो जुड़ते हैं, जिस वजह से इस पालकी मार्ग की फोर लेनिंग की बात जो है वो की गई थी। टू स्पेसिफिक पिलग्रिमेज ऑनर्ड दी मोस्ट रेवर्ड पालकी, ये दोनों ही तीर्थ यात्राएं जो है वो सबसे प्रतिष्ठित पालकी, संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी और संत तुकाराम जी की पालकी को जो है वो यहाँ से ले जाया जाता है। ये दोनों ही जो है अपने अपने जगह से पुणे जिले से शुरू होती हैं और ये जाकर के पहुंचती हैं कहाँ पर, पंधरपुर। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो संत तुकाराम जी के बारे में था। संत तुकाराम जी के मंदिर का इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कौन थे संत तुकाराम जी, क्या इनका रोल रहा है सोशल अपलिफ्टमेंट में, इन सभी बातों पर हमने विस्तार से चर्चा करी। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा आर्टिकल डिटेल में डेप्थ में समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रेपरेशन में आप इन्वॉल्व हैं, तो स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स जो है वो मौजूद है। स्टडी आईक्यू आपके लिए पहली बार इतिहास में लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो लेकर के आ रहा है। दोस्तों मात्र 18,500 रुपए में बेहतरीन लाइव कोर्स जो है वो आपको मिलेगा। आपको इस कोर्स में एनरोल करना है इस कोड की मदद से। दोस्तों ये कोर्स आपको कंप्लीट प्रेपरेशन कराएगा आने वाले सिविल सर्विसेज प्री और मेन्स के लिए, चाहे आप 2023, 24 या 25 का एग्जाम दे रहे हो। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको पूरे के पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। दोस्तों 20 जून से ये कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, बहुत लिमिटेड सीट्स है। जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करें और अपना सपना, अपने पेरेंट्स का सपना, आपने अपने लिए, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो ख्वाब, जो सपना देखा है, उसे स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर के पूरा करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।